सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, बहुत दिन बाद फिर से मैं आप लोगों के लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। सो गाइज, कुछ दिन से मेरा तबीयत खराब था तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एंड गाइज, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग गौर से प्रे करना कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ। एंड गाइज, आप लोगों को पता होगा मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को एक रिनेम कार्ड का गिव अवे रखा था। एंड गाइज, मैं आप लोगों को बताया था न्यू वीडियो जब भी आएगा मैं रिनेम कार्ड का जो भी गिव अवे था उसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सो गाइज, इस वाले वीडियो में आज गिव अवे का रिजल्ट लेके आ गया हूँ। एंड आप में से किसी एक बंदे को मिलने वाला एक रीनेम कार्ड। एंड वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना कि गाइस, आप लोगों के सामने अभी मैं वो वाला विन का रिजल्ट निकालने वाला हूँ। एंड जो भी बंदा होगा उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो हर रोज के तो आज भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ग्लिच के ऊपर ही होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाला है, तो लास्ट तक देखना। तो चलो पॉइंट नंबर वन के ओर। सो पॉइंट नंबर वन जाते हैं गाइस, बीआरडीएम। सो आप लोग, अगर आप लोगों के पास आरपीजी है एंड आप लोग अगर जोन के बाहर फ्लेयर गन चला दें, अगर बीआरडीएम आ रहा है एंड आप लोगों को अगर जोन डैमेज दे रहा है, तो गाइस आपको क्या करना है, बीआरडीएम के ऊपर आपको आरपीजी चला देना है। बूम बम, आप लोग खुद देख सकते हो, बहुत ही जल्द ऊपर से बीआरडीएम नीचे आ जाएगा एंड तुरंत आप जोन पर निकल सकते हो। सो एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, अगर आप लोग कभी भी जोन के बाहर फ्लेयर चलाए हो एंड आपके पास अगर आरपीजी है, तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप लोग ईजिली से जल्दी से जोन के अंदर घुस सकते हैं। तो चलो पॉइंट नंबर टू की ओर। सो पॉइंट नंबर टू जाती है इस वाले लोकेशन पे, आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ से अगर आप लोग विलेज जा रही हो, तो कैसे आपको यहाँ से स्केटिंग करना है, मतलब स्केट बोर्ड ऑन करना है, पुल बोस में जाकर यहाँ से आपको जंप वाले बटन पे स्पैम कर देना है। एंड आप लोग खुद देख सकते हो, आप लोग सीधा इस वाले ब्लू हाउस के ऊपर आ जाओगे। एंड यहाँ से ना आप लोग हर तरफ के बंदे का व्यू ले सकते हो, मतलब हर तरफ का व्यू ले सकते हो और हर तरफ के बंदे को आप यहाँ से ईजिली से भर सकते हैं। इस वाले ब्लू हाउस के अंदर अगर कोई बंदा कैंप वगैरह करके बैठा है ना, तो यहाँ से आपको जंप लगा देना है एंड इस विंडो के थ्रू आप लोग सीधा अंदर जा सकते हो। एंड यहाँ पर जो भी बंदा कैंप वगैरह करके बैठा रहेगा, आप उसे ईजिली से भर सकते हो। सो ये भी एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, कभी भी यहाँ पे हो तो इस ट्रिक का भी यूज करना। एंड चलो पॉइंट नंबर थ्री के ओर। सो पॉइंट नंबर थ्री जाती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ पे गाइस मैं शॉर्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे चर्च पे अगर आप लोग आई हो तो यहाँ से आपको स्केटिंग करना है, यहाँ से आपको जंप वाले बटन पर स्पैम कर देना है, सीधा इस वाले ग्रेज के ऊपर आ जाओगे एंड यहाँ पे आपको प्रोन हो जाना है। एंड उस वाले ब्लू हाउस के आगे के साइड अगर ब्लू हाउस पर कोई बंदा कैम वगैरह करके बैठा है ना, तो बंदे स्पोर्ट नहीं कर पाएगा एंड बंदे को आप इजिली से भर सकते हो। जैसे गाइस उस वाला हाउस के उस वाले ब्लू हाउस पर ऑलरेडी एक बंदा कैम वगैरह करके बैठा है एंड देखना बंदे को मैं कैसे भरूंगा। सो आप लोग खुद देख सकते हो, बंदे अंडा फायर कर रहा था एंड बंदे को पता ही नहीं था मैं इसके ऊपर एंड बंदे को इजिली से भर दिया। तो चलो पॉइंट नंबर फोर की ओर। सो पॉइंट नंबर फोर जाती है गाइस, एक बहुत ही खतरनाक फन वाला ट्रिक है ये। अगर गाइस आप लोग आइसलैंड पे गई हो एंड आइसलैंड पे अगर फुल स्कोर आप लोग लूट बूट करके बोर्ड लेके आई हो एंड अपने अगर फ्रेंड के साथ खेल रहे हो, तो गाइस आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है भाई बोर्ड के ऊपर आपको चार पेन मार दो, बोर्ड का कलर चेंज हो जाएगा। आप लोग खुद देख लेना गाइस, ये एक फन ट्रिक है, आप लोग अच्छे से देख लेना। आपको अपने फ्रेंड को बोलना है भाई बोर्ड के ऊपर आपको चार पेन मार दो, बोर्ड का कलर चेंज हो जाएगा। एंड जैसे अपना फ्रेंड बोर्ड के ऊपर चार पेन मारेगा ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप लोग खुद देख लेना, एक में एक पेन चला दिया एंड दो पेन हो गया, आप लोग अच्छे से देख लेना तीन। एंड यहाँ पे मैं चलाने वाला छोटा एंड बूम बम, आप लोग खुद देख सकते हो बॉर्ड ब्लास्ट हो जाएगा। सो गाइस, ये एक फन ट्रिक, आप लोग अपने टीममेट के साथ मजाक कर सकते हो, मतलब फन वगैरह कर सकते हैं, अपने टीममेट को चरा सकते हो। इस वाले ट्रिक से आप लोग फिनिश नहीं होगी लेकिन डैमेज हो जाओगी। तो चलो पॉइंट नंबर फाइव की ओर। सो पॉइंट नंबर फाइव जाते हैं लॉबी पे, तो एक फन ट्रिक है लॉबी पे। आपको क्या करना है, अगर आप लोग लॉबी में हो रही हो बोर, तो अभी मैं जो कर रही हूँ उसको कर लो। आप लोग डर आप लोग खुद देख लेना, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ से आपको यहाँ पे जंप लगा देना है, यहाँ से आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आने के बाद सीधा आपको यहाँ पे चढ़ जाना है, यहाँ से आपको आगे के साइड जाके यहाँ पे आपको ओनली दौड़ते हुए आगे के साइड चले जाना है। आप सीधा इस वाले फ्लेग के ऊपर आ जाओगे, आप लोग खुद देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग इमोट वगैरह दिखा गया ना, अपने टीममेट एंड जितने भी लॉबी में बंदा रहेगा आप उसे सरप्राइज कर सकते हो। आप लोग खुद देख सकते हैं, एक बहुत ही खतरनाक फन वाला ट्रिक है। एंड गाइस, अगर आप लोग गिवअवे में 40 सफेद की हो एंड अगर आप लोग गिवअवे में 40 सफेद की हो पिछले वाले वीडियो में, तो इस वाले वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में आप में से किसी एक बंदे को मिलने वाला है रिनेम कार्ड। तो चलो पॉइंट नंबर सिक्स के ओर। सो पॉइंट नंबर सिक्स जाती है ओल्ड बेसिन पे, तो एक बहुत ही भयंकर सोलो वाला गिलीज आप लोग खुद देख लेना है। यहाँ पे इस वाला हाउस पे जाता है, अगर आप इस वाला हाउस के सामने कोई भी लास्ट जोन बनी है एंड अगर आप लोग सोलो इसको दो जो भी खेल रहे हो, अगर आपके पास स्नोबॉल है तो स्नोबॉल को लेके आना है एंड यहाँ पे आपको क्राउच हो जाना है एंड स्नोबॉल को लोटस करके फेंक देना है, जो स्टिक को हल्के से आपको राइट साइड खींच लेना है एंड आप सीधा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद ना आपको प्रोन हो जाना है एंड बूम बम, आप लोग खुद देख सकते हो अंदर का पूरा व्यू ले सकते हो। एंड इस वाला गिलीज का यूज करके ना आप लोग बाहर के बंदे के मार भी सकते हो, मतलब बाहर के बंदे को आप मार भी सकते हो। यहाँ पे आप लोग खुद देख लेना, यहाँ पे मैं डोर को तोड़ के दिखा दूंगा, आप लोग खुद देख सकते हो मैं डोर को ईजिली से तोड़ दिया। सो एक बहुत ही भयंकर ट्रिक है एंड आप लोगों को पता होगा ऑल बेसिन एक बहुत बड़ा हॉट ड्रॉप
पे, एंड ऑल बेसिन में बहुत बार लास्ट जोन भी बनता है। सो एक बहुत ही खतरनाक वाला ट्रिक है, कहीं भी यहाँ पे आइयो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग स्क्वाड डुओ या सोलो में खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हो, आपके पास अगर स्नोबॉल है तो आप लोग इस वाले ग्लिच का इजीली से यूज कर सकते हो। एंड गाइस आप लोग डुओ में या स्क्वाड में अगर खेल रहे हो तो आप लोग वहाँ पे क्राउच हो जाना है, अपने टीममेट को पीछे के साइड से पुश करने को बोला है, आप इजीली से इसके अंदर आ जाओ। एंड यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो मैं गड्डी के चारों टायर फोड़ दिया इसके अंदर से ही। तो गाइस अब अगर आप लोग इस वाला ग्लिच का यूज़ करते हो ना तो बाहर के बंदे को आप इजीली से भर सकते हैं। एंड इस वाला ग्लिच के अंदर एक बहुत ही बड़ा ग्लिच है, आपको आगे के साइड चले जाना है, इस वाले टेबल के आगे के साइड, मतलब आप लोग खुद देख सकते हो इस वाले टेबल के सामने आ जाना है। यहाँ पे आपको सिंपल से स्केटबोर्ड का यूज़ करके एक्सिट कर देना है। एंड यहाँ पे आपको प्रोन हो जाना है, बूम बम आप लोग खुद देख सकते हो सीधा इस वाले टेबल के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग बाहर के बंदे को मार तो नहीं पाओगे, कि गाइस यहाँ से आपका जो बॉडी रहेगा ना, मतलब जो कैरेक्टर रहेगा उधर उधर नहीं होगा, एक ही जगह रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग कैम वगैरह कर सकते हो, मतलब कैम होल वगैरह कर सकते हो। लेकिन गाइस इस वाला ग्लिच का अगर आप लोग यूज़ करते हो ना, इस वाला टेबल ग्लिच का अगर आप लोग यूज़ करते हो तो बाहर के बंदे को नहीं मार पाओगे, लेकिन इसके अंडरग्राउंड वाला ग्लिच अगर आप लोग यूज़ करते हो तो बाहर के बंदे को इजीली से भर सकते हो। सो एक बहुत ही भयंकर ग्लिच है, कभी यहाँ पे आइयो एंड ऑल बेसिन पे आइयो, एंड ऑल बेसिन पे अगर कभी लास्ट जोन बने ना तो इस ट्रिक का यूज़ करना, एंड जो भी बंदा आएगा आप उसे इजीली से भर सकते हो। एंड सोलो में अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज़ कर लेते हो ना तो अपने टीम मेट को सरप्राइज कर सकते हो। एंड गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला, जो भी विनर रहेगा रिनेम कार्ड का गिव अवे का, जो भी विनर रहेगा आप लोगों के सामने अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलो अब मेरा मोबाइल डिवाइस मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपना यूट्यूब चैनल पे, एंड यहाँ पे जो वीडियो था उसको कर लेता हूँ कॉपी, मतलब उसका लिंक को कर लेता हूँ कॉपी, एंड सीधा आ जाता हूँ गूगल पे, मतलब यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे जो भी यूट्यूब कॉमेंट रैंडम पिकअप है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग खुद देख लेना, यहाँ पे मेरा जो भी वीडियो था उसका कर देता हूँ पेस्ट। एंड पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा जितने भी कमेंट है, एंड जो भी विन रहेगा आप लोगों के सामने होगा। यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो गेट कमेंट पिकर, मतलब जो भी काउंट कमेंट यहाँ पे जो भी जितने भी कमेंट है सब आप लोग खुद देख सकते हो, 234 या 224 इतना ज़्यादा कॉमेंट है। एंड यहाँ पे आप लोग खुद देख लेना, यहाँ पे विनर का लिस्ट निकल के आ जाएगा। तो आप लोग खुद देख सकते हो रेकी बुजमैन, मतलब किस क्या नाम है इसका भाई, रेकी बुजामैन चौधरी। तो कैसे आप लोग खुद देख सकते हो ये वाला, ये बंदा जो है ना, इसको ये विन हो गया है, इसको रिनेम कार्ड अभी मिल जाएगा। मतलब गैस रिनेम कार्ड गिफ्ट करने के लिए आपको, मतलब जो भी बंदा है, ये जो बंदा है मेरे साथ थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, एंड उसका थोड़ा बहुत पॉइंट बनाना पड़ेगा, उसके बारे में रिनेम कार्ड गिफ्ट कर पाऊंगा। एंड आप लोग खुद देख सकते हो इसका आई डी, एंड आप लोगों के सामने अभी ये जो बंदा है ना, इसको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला, आप लोग खुद देख लेना। तो आप लोग खुद देख सकते हो मैं इसका चैनल पर भी आ गया, वीडियो वगैरह नहीं है तो मैं कॉमेंट में नहीं बता पाया। तो गैस सीधा आ गया मैं गेम के अंदर, एंड गेम के अंदर आने के बाद इसका जो भी आईडी था अभी मैं भेजने वाला हूं इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो आप लोग खुद देख सकते हो आप लोगों के सामने में रिजल्ट भी निकल के आ गया, मतलब जो भी विन था उसका नेम भी निकल के आ गया, एंड जो भी बंदा था उसको अभी मैं आप लोगों के सामने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला हूं, आप लोग खुद देख लेना। सो यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो उस भाई का नाम निकल के आ गया है। एंड यहाँ पे मैं अभी उस बंदे को, जो भी बंदा है, इसको मैं अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसको बताने वाला हूँ भाई तू रिनेम कार्ड का विनर है, मतलब विनर है। एंड जैसे ही भाई मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, एंड एक्सेप्ट करने के बाद मेरे साथ दो तीन, मतलब गेम का, मतलब मुझे बनाना पड़ेगा, पॉइंट बनाना पड़ेगा, मतलब भाई मेरे साथ 10 से 20 गेम खेलना पड़ेगा, उसके बाद मैं रिनेम कार्ड गिफ्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं भाई को दे दिया भाई तू विनर है। एंड जैसे ही भाई का रिनेम कार्ड मैं जैसे गिफ्ट करूंगा, मतलब आप लोगों के सामने गिफ्ट करूंगा, वीडियो बना के आप लोगों के सामने गिफ्ट करूंगा। एंड गाइस इस वाले चैनल पे बहुत सारा गिव अवे चलता है, अगर आप लोग इस वाले चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो से अगर आप लोग कुछ न्यू सीखने को मिला, थोड़ी सी भी पसंद आई, एंड कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई प्लीज नीचे कॉमेंट करके बताना।